तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 के मैथमेटिक्स के का एनुअल सेट है जिसका एग्जामिनेशन आज हुआ है, तो मैं इसका फुल एनालिटिक सॉल्यूशन करने वाला हूँ। एक चीज और आप देख सकते हैं कि ये सेट जी है, अगर आपका कोई दूसरा सेट भी है तो केवल क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव के आंसर मिला लें। चलिए तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने अभी तक CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि 60 क्वेश्चन में 50 के ही आंसर करने थे, लेकिन मैंने सारे का आंसर किया है, तो यहां पे मैं सबका आंसर बारी बारी से आपको बताऊंगा। और मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बना के रखे हैं कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी रखा है, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल कौन सा ऑप्शन सही है उसी की बात करूंगा, क्योंकि अभी बच्चों को केवल मिलाना है, बाकी एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, मतलब ये कैसे बना, इसका आंसर कैसे आया, इसका भी एक वीडियो मैं इवनिंग में अपलोड करूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें। चलो तो सबसे पहले आंसर से मिला लेते हैं। पहला का जो आंसर होगा वो होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 - sin 2x (dx) का जो आंसर है, जो पहला है। अब ये कैसे हैं, इसका डिटेल्ड वीडियो जब मैं इवनिंग में बनाऊंगा तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से इसका ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इन दोनों का ए क्रॉस ए वेक्टर बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ था और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का परिमाण बोल रहा था, तो रूट ओवर 507 इसका होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ सकते हैं। ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि जब एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो इनका गुणनफल और फिर इन दोनों का गुणनफल आई के बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। मैं सारे का डिटेल्ड वीडियो भी आप लोग को दूंगा इवनिंग तक, आप हमारे चैनल पर बने रहें, और जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है उसके वीडियो भी डालूंगा। चलिए तो इसका इसकी कोटि कितनी है, तो इसकी 2 कोटि है, इसकी कोटी 4 नंबर का की जो कोटी दी हुई है वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स का मान कितना, एक्स का मान +-6 है, कैसे हुआ, इसका डिटेल्ड वीडियो भी आप लोग का आएगा। तब तक अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके और वहां पे अर्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ए बी दो प्रकार की घटनाएं हैं, तो P(a) = P(b) होगा, ऑप्शन नंबर डी। d/dx(sin 4x) का होगा 4 cos 4x, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑप्शन नंबर बी। बाई एक्स की दिक को ज्या है 0 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, इसे मैंने बना के रखा है, इसका कौन सा आंसर होगा, तो tan x - cot x + k। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। cot tan inverse x + इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसको तो मैंने देखा ही नहीं कि ये कैसे होगा, tan inverse x और cot inverse x इन दोनों का वैल्यू जोड़ होता है π/2, तो cot π/2 का मान हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। √cosec x (dx) का मान होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, log mod of tan x + 2 tan x/2 + k। 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ∫0 to 2e(x/2dx) इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा ए 2e - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, d/dx(√tan x) इसका मान होगा sec² x / √2√tan x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है उसमें है कि ये एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसका मान कितना होना चाहिए, तो इसका मान होगा π/12 के बराबर। यहाँ पे मैंने बना के भी रखा है, नेक्स्ट वीडियो में समझा भी दूंगा कि कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए 2 फंक्शन दिया हुआ है, f(x) g(x), और इसका कंपोजिशन पूछ रहा है, संयोजन पूछ रहा है, इसे भी मैंने बनाया है, 2x² + 1 इसका आंसर आया है, 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, j वेक्टर क्रॉस j वेक्टर ये किसने के बराबर होगा, तो ये 0 वेक्टर यानी 0 वेक्टर के बराबर होगा, फॉर्मूला है, फिर इसे भी मैंने यहाँ पे बनाया है, 12π इसका आंसर है 17 का, ऑप्शन नंबर बी। आप क्वेश्चन पढ़ ले, आंसर मिला ले, ऑप्शन मिला ले, अभी केवल ऑप्शन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूं इसके लिए वीडियो बना के डाल दिया, डिटेल्ड वीडियो इवनिंग में आएगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका भी मैंने सॉल्यूशन किया, इसका आंसर π/4 आएगा, कैसे आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इवनिंग में। इसका आंसर भी 0 होगा, 18 का किस तरह से 0 होगा वो भी हम इवनिंग में बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सदिश का मापांक कितना होगा, तो इस सदिश का मापांक 3√6 है, शायद 54 आ रहा था, सारा का स्क्वायर करके जोड़ने पे उसके फिर उसका रूट किया तो 3√6 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समांतर श्रेणी में, तो इसका मान कितना होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको इवनिंग में बना के दूंगा, 0 इसका मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x² (22x²) sin x³dx, इसका मान कितना होगा, तो -1/3 cos x³ + k।
मैट्रिक्स विषम सममित होगा, कब होगा, तो इसका दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पी ऑफ ए पी ऑफ बी दिया हुआ है और पी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, इसका मान कितना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए उसमें ये घटा दीजिए, 4/11। फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनेगा, इवनिंग में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो कोटि का व्यू है तो डिटर्मिनांट ए इनवर्स किसके बराबर होगा, तो ये होगा 1/ डिटर्मिनांट ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान कितना होगा, 1 - π/4, इवनिंग में बात करते हैं। फिर आइए, यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है, तो कौन सा सही उत्तर है, 6/8, जहाँ 6/8 बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस तरह से हो रहा है उत्तर, वो इवनिंग में आपको फुल डिटेल वीडियो दे दी जाएगी, वहाँ आप एक बार समय निकाल के देख लेंगे। 28 d/dx ऑफ e^cos x, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी -sin x इंटू e^cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन 4 से 9 √x dx, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा 38/3। कैसे होगा, इसको भी मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर इवनिंग में बात कर लेते हैं इसके ऊपर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी समान कोटि के सममिताभ्यू है, तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममिताभ्यू होगा, सिंपल सा ये फॉर्मूला है, बाकी हम इवनिंग में इसको चेक कर लेंगे। d/dx ऑफ sec x, इसका होता है sec x × tan x, सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, इसका फॉर्मूला लिखा है, पी ऑफ ए का वैल्यू हाफ दिया हुआ है, पी ऑफ बी का वैल्यू 0 दिया हुआ है, इसके फॉर्मूला में पी ऑफ बी नीचे जाएगा, तो जैसे ही 0 जाएगा नीचे, ये परिभाषित नहीं होगा, तो परिभाषित नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टार संक्रिया है, तो इसका मान कितना होगा, देखिए सिंपली मैंने मान डाल दिया है, वैल्यू हमारा है 12 और 20 32 में से 2 गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसका अधिकतमीकरण मान कितना होगा, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व भी कर दिया है, तो सॉल्व करके इसका वैल्यू आ रहा है 18/34 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 1, 0, 2 का स्थिति सदिश कौन सा है, तो बीच में 0 हो गया, तो जे कैप खत्म, यानी कि i कैप + 2 k कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो -e^x tan e^x, फिर sec² 3x + 5 dx का वैल्यू कितना होगा, तो इसका होगा 1/3 tan 3x + 5 + k, फिर इसका मान कितना होगा, तो इसको मैंने अभी बनाया नहीं, मैं बता देता हूँ, इसका हो गया π/3 और माइनस tan cot inverse √3 जो होता है ये देता है π/6 में, ठीक है, ये देता है π/3 में और ये दे देता है π/6 में, तो 180 - π/6 का मतलब हो गया कि 150 डिग्री, यानी π/3 और -5π/150 डिग्री हो गया, 5π/6, तो यानी कि 150 में 60 चला गया, -90, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, सीधे गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे डी आ रहा है 39 का। 40 की ओर चलते हैं, यहाँ पे देखिए tan inverse A tan inverse B का क्वेश्चन था, सिंपली जोड़ के फॉर्मूला लगा दिया, tan inverse 2 आया, फिर इसमें एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, तो बच्चे ने 3 मारा है, अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, अभी मैं भी इसको यही मार देता हूँ, बाकी इवनिंग में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, i वेक्टर क्रॉस j वेक्टर का मान k वेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस में चेंज हो जाता है। फिर इसकी देखिए मैंने बिल्कुल इसको सॉल्यूशन करके बनाया है, तो इसका 1 और 2 आया है, इवनिंग में इसका सॉल्यूशन आपको मैं दे देता हूँ, लेकिन आपको इवनिंग का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर देखिए इसको भी मैंने बनाया, इसका आंसर आया है e^(x³/3+k), ऑप्शन नंबर ए। फिर dx का इंटीग्रेशन होता है x + k, 3/3 कोटि के ऐसे अभ्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी, देखिए ये 2 पीस है और ये 3/3, तो 2 / 3 × 3 = 9, 512, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका न्यूनतम मान, इसको मैंने अभी ज्ञात नहीं किया है क्योंकि फिर से इसको सॉल्व करना पड़ता है। देखिए मैंने सारे के आंसर्स किए हैं, केवल एक आध दो, और उम्मीद कम ही है कि बच्चे ने इसे सॉल्व किया होगा, फिर भी मैं इवनिंग के वीडियो में इसको कर दूंगा। अब आइए 48 की बात करते हैं, 48 में y = 2x² + 3x, तो इस पर अविलंब की प्रवणता होगी -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल रेखा के दिक अनुपात, तो दिक को ज्याएं कितनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों का स्क्वायर करके और जोड़ देंगे, फिर रूट कर देंगे, उसी को बटा में कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, a = AIJMN वर्ग अभ्यू होगा अगर इसकी कोटि सम मतलब m बराबर हो n के, ऑप्शन नंबर ए। 50 हो गया, अब 51 की ओर चलते हैं,
इसका कौन सा होगा, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला पे है, इवनिंग में हम डिस्कस करेंगे इसको, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका समाकल गुणक क्या है, तो 1/x होगा इसका, इवनिंग में इस पर डिस्कस करते हैं। कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1/1+x2, इसमें इसका समाकल गुणांक होगा e^10x। फिर हम लोग 55 पे आते हैं, इसका मैंने सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ गया है 5/6 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec स्क्वायर log x और बटा x, इसका कितना होगा, तो tan log x प्लस k होगा इसका 56 का, इसका आंसर होगा x बटा k। किस तरह से होगा हम लोग इवनिंग में डिस्कस कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इसका मान 3 होगा, इसका मान हो जाएगा देखिए i 1, इसका मान हो जाएगा j 1, इसका मान हो जाएगा k 1, तो 1 1 1 3 ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें इस सारणी का कितना मान है, तो इस सारणी का मान होगा ऑप्शन नंबर 1, और उसके बाद इंटीग्रेशन टेन एक्स, ये सिंपली फॉर्मूला है। अगर आपको सब्जेक्टिव के भी ऑप्शंस चाहिए तो आप आ सकते हैं, और अगर आपको इवनिंग में इन सारे के डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बहुत मेहनत लगती है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन गलत आंसर गलत आपको लगता है कमेंट बॉक्स में आएँ, और इवनिंग में वो सारा डिस्कशन कर लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको आगे के भी वीडियोज चाहिए सब्जेक्ट के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दैट्स ऑल।